अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? सर वाला पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली वसत वाली ज़िंदगी अता करे, शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे, आमीन। तो जी मैंने सोचा कि आज सफाई काम शाम सबसे हट के कोई चीज़ करते हैं, तो मैंने कहा कि चले मैं ना आपके साथ एक कैजुअल सी लुक शेयर करती हूँ कि किस तरह से अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं फटाफट से हमने किस तरह रेडी होना है, या हमें कहीं मार्केट वगैरह जाना है। अक्सर लेडीज़ मार्केट जाते वक्त भी रेडी होती हैं, वैसे मैं तो नहीं होती हूँ लेकिन अक्सर लेडीज़ होती है मार्केट जाते वक्त भी रेडी। तो मार्केट जाते वक्त किस तरह, या अगर आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है, पीटीएम है, तो वहाँ पर आपने कैसे तैयार होना है। तो एक बहुत ही कैजुअल सी लुक है, तो ये मैं हम लोग ना ये बस ये दो और एक ये लिपस्टिक और एक ये मस्कारा, इन चीज़ों से हम जो है ना वो लुक क्रिएट करेंगे। ये फेस पाउडर है, कॉम्पैक है, यार्डले का, और इसके साथ मैं करूँगी। और ये एक जो है ना ये ब्लश ऑन है, तो इसमें शाइनर ग्लॉसी सब मिक्स है, तो इसी से आईज का, इसी से जो है वो ब्लश का सब कुछ करके मैं आपको दिखाऊंगी। मैं नहीं करूंगी, मेरा लुक कोई और क्रिएट करेगा, और लुक कौन क्रिएट करेगा ये भी आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है इस वीडियो में, हो सकता है अगली किसी और वीडियो में, लेकिन इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो चले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेयर डू मैंने कर लिया है फटाफट से, बिल्कुल सिंपल सा ये ट्विस्ट करके, और उसके साथ मैंने ये जो साइड में एक जुड़ा है उसके साथ, और इसके ऊपर मैंने ये पोनी जो है ना वो कर लिया है। तो इसके साथ साथ जो है वो मैंने कहा कि चले अगर हेयर डू अगर आपने करना हुआ तो वो भी आप बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो ये वीडियो ना 2 मिनट्स में ये मेरा हेयर्स हो गए थे, क्योंकि मेरे तो हेयर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो थिन से हैं, मतलब ऑलमोस्ट गंजी तो नहीं हुई लेकिन बहुत कम से हेयर्स हैं। और उसके बाद जो है ना ये हम इन चीज़ों से करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे इसके साथ ना लुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्पंज को जो है वो हल्का सा वेट कर लिया है, क्योंकि वेट कर लेने से ये होता है कि एक तो आप अच्छी तरह से जो कॉम्पैक है वो अच्छी तरह से फैलता भी सही तरह से है, मतलब अच्छी तरह से लग जाता है, और दूसरा ये कि स्टे भी ज़्यादा देर तक करता है। तो और ये मेरा जो फेस पाउडर है ना, ये है भी ऐसा कि इसको वाटर की ज़रूरत होती है, तो आप अपने फेस टोन के हिसाब से, जैसा आप आपका कॉम्पैक हो आप अपने फेस टोन के हिसाब से, जारी बात है सब अपने फेस टोन के हिसाब से लेते हैं, तो जैसा भी आपका कॉम्पैक हो ना उसको उसके साथ आपने अप्लाई करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि जो आपका स्पंज हो ना वो वेट होना चाहिए, ठीक है। टैप टैप करके हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, टैप टैप होके ये सारा अप्लाई होगा, और जितना अच्छी तरह से टैप टैप होके अप्लाई होगा ना उतना ही ज्यादा अच्छी लुक क्रिएट होगी और उतने ही फाइन लुक आएगी। और इसको दिखाने का और बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग ज़्यादा टाइम के हिसाब से नहीं ना करते कि टाइम बहुत लगेगा, या हम मेकअप नहीं कर रहे हैं, या ऐसे है, या अच्छी तरह से करना नहीं आता है, और अब तो खैर इतनी ज़्यादा चैनल्स पे ये आना शुरू हो गया है कि मेकअप सिखाने का, वो तो मकसद यही है कि जैसा मैं फटाफट से कर लेती हूँ ना, मेरा मकसद वही है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग भी ये कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें, और जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप में भी परफेक्शन आएगी। हाँ, जब कभी कभार किया जाए तो फिर ज़रूर थोड़ी बहुत जो है ना वो हो जाती है मिस्टेक्स, तो अगर आप कंटिन्यूस करती रहें तो फिर जो है ना वो आपकी परफेक्शन हो जाएगी। और कॉम्पैक्ट लगाते वक्त फेस पाउडर या बेस जब भी आप लगाएं, लगाते वक्त थोड़ा बहुत बोल भी लिया करें और हंसा भी करें, ताकि वो जो बाद में जो क्रैक्स पड़ने हैं ना वो उसकी फिलिंग पहले ही हो जाए, उसकी सेटिंग पहले ही बीच में हो जाए।
और कानों आउटर ईयर्स पे भी जरूर लगाया करें कानों पे, ताकि वो आपके स्किन टोन के हिसाब से मैच हो जाए। तो प्रेफर ये किया करें कि आपका जो स्किन टोन है ना, आप उसके हिसाब से ही कॉम्पैक्ट यूज करें। अगर आप थोड़ा सा भी लाइट शेड यूज करते हैं ना, तो फिर उसका मसला उससे ये होता है, फेस तो जो है वो तो व्हाइट हो ही जाता है, तो वो बाकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना वो काफी फर्क आ जाता है। तो उसमें आपको पता चलता है कि आपने मेकअप किया हुआ है, तो मेकअप ऐसा हो कि पता ही ना चले कि मेकअप हुआ हुआ है। और ये देखें जी, ये सिंपल सी बेस जो है वो रेडी है विद इन अ मिनट। मेरा ख्याल है सिर्फ 1 मिनट लगा है और ये बेस जो है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि बेस जो है ना वो सारी तरफ से इक्वली लग गई है। और जो है ना वेट किया हुआ था, इस वजह से जो है वो ज़्यादा अच्छी ठहर भी रही है। तो ये अभी भी मेरे मुंह पे मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा गीला गीला था है, लेकिन ये मतलब सूख जाएगा। और मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिसकी वजह से मैंने पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाया है। अक्सर मैं तो वैसलीन भी अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे, क्योंकि मेरा जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। और ये बेस जो है ना ये 24 आवर्स स्टे करती है। ये है ब्लशन, और उसी से ही जो है वो आई शेड का। ये ब्लशन है और इसी से ही जो है ना वो मैंने आई शेड का भी किया है। तो मकसद सिर्फ यही है कि बहुत कम सी चीज़ों से बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है, बस और कोई बात नहीं है। और अगर ये आपका आपने एक दफ़ा में ना चीज़ अच्छी खरीदनी है, जब आप पैसे लगा रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे अच्छी चीज़ के ऊपर, अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगाएं जो स्टे करने वाली हो। मतलब 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली ये भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मत लें, कुछ लोग अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वही लेंगे, लेकिन उसमें उसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 500 तक की रेंज में अगर ले सकते हैं ना, तो आप एक ही दफ़ा में अच्छी चीज़ बाय करें, ताकि वो थोड़ी ज़्यादा टाइम स्टे करें। जो अच्छी चीज़ नहीं होगी ना, वो उसका स्टे जो पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो है वो फिर आपकी मेकअप की जो फिनिशिंग है या लुक है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। और यहाँ पे ये होने के बाद आपकी मर्जी है, अगर आप लाइनर लगाना चाहें तो वेल एंड गुड है, आप लाइनर लगाएं, लेकिन मैं अभी फिलहाल लाइनर अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि मैं बेसिक से लुक आपको एक क्रिएट करके दिखा रही हूँ कि लाइनर के बगैर भी एक बेसिक और अच्छी लुक क्रिएट हो सकती है। काजल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैं आपको काजल लगा के दिखाती हूँ, इसके साथ काजल की लुक क्रिएट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा मस्कारा हो चुका है, और इसके साथ मैं आपको काजल लगा के दिखाती हूँ। जी मैंने काजल जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया है, और ये मैं स्टड्स पहन रही हूँ इसके साथ ये, और ये भी है मैचिंग में। अगर आप इस साइज़ के पहनना चाहें तो आप इस साइज़ के भी पहन सकते हैं, और अगर आप इस तरह के पहनना चाहें तो इस तरह के भी। कैजुअल लुक में ज़्यादातर छोटे स्टड्स ही अच्छे लगते हैं, अगर इससे छोटे भी पहनना चाहें तो वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी पहन सकते हैं आप। तो ये तो अप टू यू है कि जैसा भी आपको पसंद आए अपने लिए वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये मैंने ये पहने हैं, और वैसे तो मेरे कपड़ों के साथ ये जा रहे हैं, मैंने तो रूटीन के कपड़े पहने हुए हैं। मैंने चेंज इसलिए नहीं किए क्योंकि ये एक आम नॉर्मल रूटीन कैजुअल के लिए है,
तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। और इसके साथ ही मैं आपको जो है ना लिपस्टिक का, तो ये देखिए लिपस्टिक लगा के आपने जरूर मुझे बताना है कि आपको मेरी लुक कैसी लगी और कैसा लगा आपको आज का मेकअप ट्यूटोरियल। तो अगर आप ब्राइडल या पार्टी मेकअप या इसी तरह के और कैजुअल मेकअप में वैरायटी देखना चाहते हैं या पार्टी मेकअप में वैरायटी देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा अगर आप ब्राइडल मेकअप का देखना चाहे तो उसका भी मैं जरूर शेयर करूंगी। और इसके अलावा हेयर स्टाइल्स के लिए आप चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, हेयर स्टाइल्स का भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेयर स्टाइल के भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, वो भी शेयर करेंगे कि रेडी मतलब फटाफट से किस तरह हो सकते हैं, एक्सटेंशन के साथ किस तरह हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं क्योंकि मेजोरिटी ऐसी है कि जिनके जो अपने हेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो वो एक्सटेंशन जो है वो उनको प्रेफर करते हैं एक्सटेंशन लगाना। और उसमें ही होता है ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनिंग, उससे आप थोड़ा सा आपके हेयर्स जो है ना वो बच जाते हैं, तो इसलिए भी काफ़ी लोग जो है वो हेयर एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए मैं एक्सटेंशन के साथ भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है। और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा जो आज का ये स्टाइलिंग है ये किसने की है, मेरा आज का मेकअप किसने किया है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और इंशाल्लाह ज़रूर मिलवाऊंगी अपने मेकअप आर्टिस्ट से। और मैं तो जहाँ पे भी जाना होता है मैं इसी आर्टिस्ट से ही तैयार होती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने मेकअप आर्टिस्ट से ज़रूर मिलवाऊंगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरा फाइनल लुक है, आप दोबारा से देख सकते हैं, और ये आईज का भी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा क्योंकि मैं भी अपने सारे सब्सक्राइबर्स को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी सी वीडियो में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे फंड लाती रहूंगी, अगर आप मेरा सपोर्ट अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो, और मेरा साथ यूं ही देते रहेंगे। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।